कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष आज जम्मू पहुंची थी और अपने तमाम वर्कर्स के सामने कुछ बातें रखी जो उनके दिल में थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए असल पहचान जो थी वो धारा 370 के साथ थी, और उसके बाद जो है जब इसका एब्रोगेशन होता है तो पहचान सबसे ज़्यादा, डेमोग्राफी सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू की बदली गई है। उन्होंने और क्या क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्र बनाना चाहती है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। रिजल्ट्स आए तो मोदी साहब ने देखा कि बीजेपी की 28 सीटें हमारी 28 सीटें, फैसला वो करना चाहते थे, वो बनने को वजीर आला बन सकते थे कांग्रेस के साथ भी सरकार मिला के, पर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल मामला है, मगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो अब क्या करें, आप जम्मू के लोगों को जो हिंदू लोग हैं उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा डैडी ये तो 370 के खिलाफ है, कहा उसका बचाव भी इसी में है, और साथ में उन्होंने ये कहा ये बड़े राष्ट्रवादी जमात है, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी करेंगे और मुल्क को भी संभालेंगे, क्यों शायद इनको दर्द है, शायद इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये अपने आप को पेश वैसे ही करते थे। मगर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे, सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने, क्या रखा इन्होंने, रेलवेज हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, जो कुछ भी आपके पास, एयरपोर्ट्स हैं, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। मुझे ये बताइए हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो यूपीए की सरकार के वक्त 26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, उन्होंने उनको फिर धकेला, क्या वो सारे मुसलमान हैं? मुझे बताओ क्या वो मुसलमान हैं? अभी जब यहाँ रिक्रूटमेंट हुई 3 बार सब इंस्पेक्टर की, पंचायत अफसर की, और भी कोई मुझे इसको याद जहन में नहीं आ रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें जब दादलियां हुई तो क्या उसमें खाली मुसलमान लड़के थे? क्या उसमें हिंदू लड़के नहीं थे? आज जो ड्रग के शिकार हैं जम्मू में, वो क्या खाली मुसलमान हो रहे हैं? आज जो मकान लूटे तोड़े जा रहे हैं, बेशक ज्यादा मुसलमानों के होंगे, क्या हिंदू वो हिंदू नहीं है जो वहां नई बस्ती में चीख रहा था, चिल्ला रहा था? अग्निवीर इन्होंने लाया, पहले तो बोलते थे कि फौज में जाना है, और सालों साल यहां के लड़के तैयारी करते थे, और ज्यादा हमारे हिंदू बच्चे जाते थे जम्मू से, तो आज जब उन्होंने 15 साल से उसको 4 साल कर दिया, तो क्या इसका नुकसान मुसलमानों को होगा? ये जो इन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं, तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। और इनका मकसद क्या है? ये सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस खाब में से, खाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहां कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है, जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी, आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है, वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग,
और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं ये, आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं ताकि जो जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूं कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए आपकी दुकान जो बैठ गई है रघुनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे वहां से सामान खरीदेंगे, आज बताइए करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे, जो यहां के फैक्ट्री वाले हैं वो तो उनका तो दिवालिया निकल गया, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहां से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहां हो। और हम तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई, जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं, मुझे ये बताइए। ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं, मुझे बताइए आप हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है, कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है। मुझे बताइए जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं, मुझे बताइए। ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहां पर डोगरा राज कायम करे, जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। आप लोगों को बोलते वोट दो फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप। तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में घूमती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फखर से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया, इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे। कहते थे यहां की जमहूरियत ऐसी है, यहां के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया, यहां का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहां मुसलमान मारे गए, कहां हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है, जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है, हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है, अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है, तो फिर जुडिशरी रही कहां। इस मुल्क की ताकत क्या है, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूं, मीडिया का क्या बोलू मैं, वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है, वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले एक साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूं वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बायकॉट करना चाहिए, वो बोलते रहे जो बोलते हैं, क्योंकि ये चैनल्स आप इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये जो आपके सामने खड़े हैं,
ये दो लोगों के हाथ में, जो हम दो हमारे दो उनके हाथ में, जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते हैं। आपने यहां पेंशन की बात की, पेंशन बंद कर दिया लोगों का, जो पहले एम्प्लॉयज को पेंशन और दूसरा जो पेंशन मिलता है उसके लिए आपको वहां धक्के खाने पड़ते हैं, कई लोगों का हार्ट फेलियर हो गया। तो उस वक्त क्या बीजेपी वाले कहते हैं ये हिंदू है, इसको लाइन में नहीं खड़ना है, खड़ा करना है, सारी मुसलमान को करना है। जो भी बीजेपी की पॉलिसी है ये बीजेपी के लिए सही है, बाकी तमाम लोगों के लिए गलत है। अगर आपको ये बात आज भी समझ नहीं आएगी जम्मू वालों, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी ये बात। इनका ईमान, इनका दीन सिर्फ पावर में आना है। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुस्लिम मुसलमान नहीं है? पर उनके तलवे क्यों चाटते हैं? अगर वो अगर मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है, तो मुझे बताइए उनके तलवे क्यों चाटते हैं ये लोग? अभी अडानी को बचाने के लिए भी वहीं से लाया इन्होंने, यूएई से या कहां से लाया मुझे इसको ध्यान नहीं आ रहा है, उसी ने इन्वेस्ट किया। तो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है जो आप लोगों को कहा जाता है। किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे, वो भी गरीबों की? आज कहते अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते। वो तो सब आपके साथ है, आपकी बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जो मेरे वर्कर हैं, मुझे आप पे फख्र है जो जम्मू के खासकर हमारे वर्कर हैं, इन मुश्किल हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं, मगर लोगों को समझाओ। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ हैं। मुझे ये बताइए ये कौन सा, मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा, कहते हैं ना बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी है? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपंज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है मुझे बताइए? हमने तो बड़े हिंदू सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे, मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से चीन तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे, जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा, मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे
मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना, मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहते हैं, जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए, अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे। तो इन्होंने क्या किया, रहबर तालीम हो, रहबर ज़रात हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए, अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली? हाँ कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको। नौकरियां जहां जहां होती है आप देखिए, जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहां का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इस वक्त बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे। हम मुसलमानों का भाई, आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है, है ना? मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा, जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, हमें मैं वोट के लिए यहां नहीं हूं, मैं कुर्सी के लिए यहां नहीं हूं, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही ने ढोल बजाए थे 370 के बाद। और आज सबसे ज्यादा बर्बादी अगर कहीं है, अगर बिजनेस खत्म हो गया है, अगर फैक्ट्री में नुकसान है, तो वो जम्मू में है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग, अगर हिंदू का घर टूट रहा है तो सबसे पहले, नहीं इनको जाने दीजिए, जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। अगर किसी हिंदू का घर टूटता है, सबसे पहले मेरा पीडीपी वाला वहां पहुंचना चाहिए। तमाशा भी नहीं कि आप इंतजार करोगे जब मुसलमान का टूटेगा तब भी हम जाएंगे, नहीं नहीं, बस्ती में मेरे लोग होने चाहिए थे वहां पर खड़े, उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हम पहले जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जब कश्मीर में तूफान आया तो जम्मू के लोगों ने हमें सहारा दिया, घर दिया, रहने को छत दी, पीने को पानी बांटा, बिजली बांटी हमारे साथ। और आज अगर किसी के ऊपर तूफान आता है तो हमें मिलजुल के उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं परवेज को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और जो दिल्ली मेरे साथ लोग आए मेरी शॉर्ट नोटिस पे, उनको भी बहुत बहुत मुबारक।